तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कॉइनसुच कुबेर में डिपॉजिट करने के जो ऑप्शंस होते हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। तो सेम यहाँ पर क्या है कि कुछ टाइम पहले यहाँ पर यूपीआई का ऑप्शन इनेबल था, बट फिर से यहाँ पर डिजेबल हो गया, जिसकी वजह से लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि यहाँ पर यूपीआई फिर से डिजेबल हो चुका है, तो किस तरह डिपॉजिट करें उसका एक लाइव प्रोसेस बताइए। तो इस बार मैं फिर से आपके सामने लाइव वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें डिपॉजिट करने का प्रोसेस को पूरी अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो अभी अगर आप लोग डिपॉजिट INR के ऑप्शन पर आएंगे और डिपॉजिट क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है ट्रांसफर का, जहां पर आप NEFT, RTGS या फिर IMPS को थ्रू पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। तो यहाँ पर कई सारे लोग IMPS या फिर RTGS को थ्रू पैसे ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको प्रॉब्लम होता है। और प्रोसेस क्या है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे चेंजेस हुए हैं जब से ये कॉइनसुच अपडेट हुआ है, आपको देख रहा पूरा इसका इंटरफेस भी चेंज हो चुका है, कई सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज हो चुकी है, जिसकी वजह से लोगों को कुछ बातें समझ में नहीं आ रही है। तो आज के इस वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आपको सारे डिटेल्स और सारे प्रोसेस आपको सही से मालूम हो। तो देखिए, डिपॉजिट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आप जब होम पेज पे जब आएंगे कॉइनसुच कुबेर के, तो आपको फर्स्ट में एक डिपॉजिट INR का ऑप्शन यहाँ पर दिख जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो मिनिमम डिपॉजिट 100 रुपया है, आप मिनिमम 100 से स्टार्ट करके देखिएगा, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम आपको ना हो अगर पैसे फंसे भी। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन मिलता है, तो आपको इस पर ही क्लिक करना होगा, फी बिल्कुल 0 है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको इस बातों को समझना पड़ेगा, ऊपर में एक हाईलाइटेड ये है कि आपने कौन सा बैंक ऐड करके रखा है कॉइनसुच कुबेर में, यानी कि कौन से बैंक में विड्रॉल लेते हैं वो आपको शो होगा। जैसे मेरा एयरटेल पेमेंट बैंक है और जो अकाउंट नंबर है उसको यहाँ पर हाईलाइटेड किया गया है प्राइवेसी के कारण। तो ये बताया जा रहा है कि आप जो पेमेंट करेंगे, आप जब डिपॉजिट करते टाइम पेमेंट करेंगे तो इसी बैंक अकाउंट से पेमेंट होना चाहिए जो आपने कॉइनसुच कुबेर में ऐड करके रखा है, नहीं तो आपके पैसे डिपॉजिट नहीं होंगे। और नीचे में आपको पेमेंट किस पे करना है, नीचे देखिए आपको एक अकाउंट नंबर दिया गया, बेनिफिशियरी नेम आप ही का नाम होगा, एक बैंक है IDBI बैंक का, अकाउंट नंबर में मिलेगा, FSC कोड और अकाउंट टाइप सेविंग अकाउंट है, यानी कि नीचे जो यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल्स दिया गया है इसी बैंक के डिटेल्स पर आपको पेमेंट करना है आपके इस वाले बैंक से, लेकिन IMPS, RTGS और NEFT के थ्रू। नॉर्मली क्या होता है कि ये सारे जो प्रोसेस होते हैं ये जो फिजिकल बैंक होते हैं, जैसे SBI, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, या फिर आप जो प्राइवेट बैंक होते हैं कोटक महिंद्र बैंक, HDFC बैंक, इन सारे बैंक का क्या होता है, जितने फिजिकल बैंक है उनका एक नेटवर्क एप्लीकेशन आता है नेट बैंकिंग, जैसे SBI का कोई योनो SBI, बैंक ऑफ इंडिया का बैंक ऑफ इंडिया का एप्लीकेशन, कैनरा बैंक का अलग एप्लीकेशन। तो उन सारे बैंक में क्या होता है कि वहाँ पर एक ऐड का ऑप्शन मिलता है, ऐड बेनिफिशियरी का, जहाँ पर आप ऐड बेनिफिशियरी करेंगे और ये सारे डिटेल्स अगर फिल करेंगे तो वहां पर क्या होगा, ऐड हो जाएगा और फिर वहां से आप IMPS के थ्रू डायरेक्ट यहां पर पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन ये तो था उन सारे नेट बैंकिंग एप्लीकेशन का। कई सारे लोग क्या आते हैं कि वो जैसे कि गूगल पे फोन पे का ज्यादा यूज करते हैं, उन्हीं को ज्यादा यूज करना आता है, बट प्रॉब्लम ये होता है कि गूगल पे और फोन पे में UPI ट्रांसफर होता है, उसमें IMPS या फिर NEFT या RTGS नहीं होता। उसमें नॉर्मली जब हम लोग लेन देन करते हैं मनी का तो वो क्या होता है कि UPI के थ्रू होता है, बट UPI के थ्रू यहां पर आप करेंगे तो साफ साफ लिखा हुआ कि UPI के थ्रू यहां पर होगा ही नहीं, वो पैसे में भी आपको फंस जाएंगे, तो उससे तो करना होगा नहीं। और गूगल पे फोन पे से पॉसिबल है नहीं, पेटीएम से नॉर्मली भी UPI होता है, ठीक है। मैंने पेटीएम को थ्रू किस तरह आप IMPS करेंगे इसका एक ट्रिक है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस वीडियो को फॉलो करके आप पेटीएम से क्या करेंगे कि आप यहां पर डिपॉजिट कर पाएंगे IMPS के थ्रू। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप उस पेटीएम पेमेंट बैंक को सबसे पहले कॉइनसुच में ऐड कर लेंगे, आप जिस भी बैंक अकाउंट के थ्रू आप ऐड करना चाहते हैं यानी पैसा डिपॉजिट करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए देखिए इस वाले पर्सन वाले लोगों पे आपको क्लिक करना है, जिसको प्रोफाइल बोलते हैं, यहाँ पर आने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा बैंक डिटेल्स का, इस पर क्लिक करेंगे तो आपने कौन सा बैंक ऐड करके रखा वो शो होगा, और नीचे में एक एडिट का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर एडिट में जा करके आप जो नया बैंक अकाउंट है जिसके थ्रू डिपॉजिट करना चाहते हैं उसको यहाँ पर डिटेल्स फिल करके आप उसको सेव कर लेना है, ठीक है। और सेव करने के बाद उसी बैंकिंग के एप्लीकेशन से आपको ऐड बेनिफिशियरी करके इस जो डिटेल्स आपको मिलेगा डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे उस पर पेमेंट करना है। अगर आपके पास योनो SBI, बैंक ऑफ इंडिया को भी फिजिकल बैंक का नेट बैंकिंग एप्लीकेशन आप यूज करते हैं तो उसके थ्रू, अदरवाइज पेटीएम तो नॉर्मली बहुत सारे लोग यूज भी करते हैं। तो उसका ट्रिक क्या है, अगर आपको लाइव देखें ना, डिस्क्रिप्शन में वीडियो अवेलेबल है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, कंप्लीट मैंने A to Z सक्सेसफुल एकदम 100% करके दिखाया हूं, तो आप उसको देख सकते हैं। और अगर आपको और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी यही था इसका लेटेस्ट प्रोसेस, अगर आपको कोई अभी भी डाउट है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अभी फिर से आप ये लाइव वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं क्या होता है कि नॉर्मली उन सारे जो नेट बैंकिंग एप्लीकेशन होते हैं उसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन नहीं होता प्राइवेसी के कारण, मगर अगर आप लोग चाहते हैं उसका लाइव प्रोसेस देखना तो कोई भी एक नेट बैंकिंग एप्लीकेशन, उसका भी मैंने लाइव दिखाया हूं, बहुत पहले के वीडियो है, बट वो भी डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, उसके योनो SBI को मैंने दिखाया हूं, तो आप वहां से जाकर भी डिपॉजिट किस तरह करना उसका प्रोसेस आप लोग देख सकते हैं।
फिजिकल बैंक का है, ठीक है। और अगर आप लोग लेटेस्ट वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैं फिर से दूसरे कैमरा से रिकॉर्डिंग करके मैं लाइव वीडियो आपके सामने डाल दूंगा, ताकि आपको अभी भी जो लेटेस्ट प्रोसेस है वो और बेहतर समझ में आए। बाकी दोनों वीडियोज के लिंक डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, पेटीएम का भी और एक नेट बैंकिंग एप्लीकेशन है, दोनों में मैंने लाइव डिपॉजिट करके दिखाया हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और हम आपसे फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।